शफीकुर से बात कर रहा हूँ। सदर साहब जो है, कल हम जमात खाने से निकलने के बाद मैं जो है गुत्ता जमात को सिलेंडर कर रहा हूँ बोल के बोले मीडिया में, बोलते सुनने में आया। हाँ, बोले वहाँ पर बोले, नहीं था बोले, बोले, जमात को सिलेंडर कर रहा हूँ मैं, ये गुत्ता जमात को दे दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपने आदमियों को वसूली के लिए सुबह में भेज दिए, जब जमात को दे दिए हैं गुत्ता तो फिर सुबह वसूली को अपने आदमियों को कहीं को भेजे, जमात के आदमियों को भेजना था या जमात के कोई अहदेदारों को जमा करके बोलना था। उन्होंने अपने आदमियों को जाती तौर पर जो जिनको उन्होंने टेंडर दिए, सब टेंडर दिए हैं उनको उसूली के लिए भेजे हैं। एक बार एक मरतबा बोलते हैं उसके बाद फिर मुकर जाते हैं सदर साहब, अपनी मफाद का काम। तकलीफ हमको यही है, अपनी बात पे कोई अपनी बात पे कायम नहीं रहते हो, एक पल एक जवाब दे देते हैं फिर नए बोला बोलते हैं। उनसे जो भी बात करना है, कभी भी कोई भी शख्स सदर साहब से अगर बात करे तो राइटिंग में एक बात कीजिए, मैं रहो या कोई भी शख्स रहो, राइटिंग में बात कीजिए। सदर साहब एक पल में बोलते हैं, दूसरी पल में मुकर जाते हैं। मैं सदर साहब को ये बोला था 60 रुपये जो है मैं फीस वसूल करता हूँ, आपके जो पैसे है मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। सदर साहब ये बोले थे कि 50 लाख रुपये जो है आपको रखना पड़ेगा, तो मैं बोला ठीक है 50 लाख रुपये मैं देता हूँ, आप मेरे को दीजिए, मैं कौम की भी खिदमत करता हूँ आपकी भी खिदमत करता हूँ, आपकी भी नौकरी करूँगा मैं, कौम से भी जो है 60 रुपये वसूल करूँगा मैं, आप मजीद इजाफा 1 रुपया भी नहीं करूँगा। इस बात पे मसला बातचीत हुई, वो 120 रुपये पहले बोले थे तो हम जो है 60 की बजाय 80 रुपये उनको बोले थे, तो उस चीज़ को भी उन्होंने सदर साहब नहीं माने। उसके बाद आखिरी में बातचीत ये हुई कि मशीन पे काट के देने की आपकी 150 रुपये फीस है, आप मशीन चालू कीजिए, हम 150 रुपये फीस देने के लिए तैयार है बोल के मशीन भी चालू आ गए। मशीन भी चालू नहीं है सर, मैनुअल नहीं 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 चालू हुई, वो चालू नहीं हुई। तो जिस तरह से मशीन में जो कुछ प्रॉब्लम आया, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने तक जो है जो अभी तक जो फीस लिया जा रहा था वो कंटिन्यू करो बोले तो नहीं कर रहे हैं सर। सदर तो आप लोग सुबह में कल काम रोक देंगे सब, या उनको पैसा नहीं देंगे आप कल 150 रुपये जो उनका? आज हम काम चालू किए, एहतजाज के तौर पे क्या करेंगे कल से आप? एहतजाज तो नहीं कर रहे, एहतजाज करने से दुकानदार दुकान पे जो काम करने वाले गरीब है, अब यहाँ पर कुछ जानवर जो है कमजोर रहते, वो जानवर मर जाते, उस वजह से जो है हम काम अपना रोक नहीं सकते, काम कंटिन्यू रोकते हुए जो है जो भी एहतजाज जो भी बातचीत करना है उस मसले कल पे करेंगे तो फिर वो फिक्स हो जाएगा, अमन तरीके से बातचीत हम करेंगे। फिर अगर आप कल से अगर पे करेंगे तो फिर कंटिन्यू होने के चांसेस है, पे नहीं करते हो? पे नहीं करेंगे, जो आज सुबह में काम नहीं करेंगे, आज सुबह में जो काम की जो डिमांड किए थे हम वहाँ पर उनको कि वो पैसे नहीं देंगे, सुबह में 60 रुपये देके काम करेंगे इंशाल्लाह। बल्दिया को देंगे, वो भी बल्दिया को देंगे, नहीं पे करेंगे, उसके लिए आप लोग हर चीज के लिए फैक्ट बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला सदर साहब से बिल्कुल फैक्ट लेक के ऊपर ऐसो कैसा डाल दे रहे हैं कि ऐसो तो उनके भाई एक ऐसो उन्होंने ऐसो फोन आ करके डरा रहे हैं हम लोगों को, क्लिप डाल रहे हैं आपस में क्लिपां डाल रहे हैं, ये घर में बैठ के औरतों की सर का बाता नको करो करो डालने दो जेल को जाने के लिए हर आदमी तैयार है, हर आदमी यहाँ मैदान में आके बात करो। चलो भाई, पूरा बाउंड्री को चलो, हमें लेकर नहीं बोलते भाई, आओ भाई चलिए।
Ashu bhai